आज दिल्ली चिड़ियाघर ने दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के साथ मिलकर एक वॉल आर्ट इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के आर्टिस्ट ने तीन अलग अलग जगहों पे वॉल पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसमें सबसे मुख्य और बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक एलिफेंट स्टेयर केस होता था, जो पहले एलिफेंट पे सवारी करने के लिए, एलिफेंट पे बैठने के लिए बनाया गया था और अबेंडेंड हो गया था, उसको एलिफेंट उस पर पेंट करके उसको रिवाइव किया गया है। इसके साथ साथ 60 वर्ष से ज़्यादा जो दिल्ली चिड़ियाघर को बने हो गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो मुख्य प्रजाति थामिन डियर, जिसको बोलते हैं संघाई डियर, उसके ऊपर एक पोस्टर जैसा एक वॉल पे बनाया गया है, जिससे जो चिड़ियाघर देखने आते हैं लोगों को उसको उसके बारे में जागरूकता हो और वो उसके साथ अपनी तस्वीरें खींच के ले जा सकें। दिल्ली चिड़ियाघर कोविड और बर्ड फ्लू से के कारण अभी बंद है और भविष्य में इसके खोले जाने की संभावना है, परंतु जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको ये एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनको कोविड गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और साथ साथ उनको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से वो ऐसी जगह पे ना जाएं या ऐसी रेलिंग्स वगैरह को ना छुएं, जिससे जो है डिज़ीज़ स्प्रेड होने की संभावना रहेगी।